वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। ताजा घटनाक्रम में दो पुराने सहयोगी राजनीतिक दल एक बार फिर वार्ता के लिए सक्रिय दिख रहे हैं। कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुनबे में सहयोगी दल रही तेलुगु देशम पार्टी एक बार फिर भाजपा के करीब आ सकती है। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की मुलाकात के बाद ऐसी अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। दोनों की मुलाकात आगामी आम चुनाव से पहले भाजपा की किलेबंदी की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बुधवार को नई दिल्ली में टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला के आवास पर पहुंचे। इसके बाद नायडू ने देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के बाद टीडीपी और भाजपा के बीच करीबी बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार यदि नायडू भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लौटते हैं तो वह जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रमुख क्षेत्रीय नेता होंगे।